नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती मनाई जाती है। इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद बहुत कम उम्र में ही सन्यासी बन गए थे। पश्चिमी देशों को योग वेदांत की शिक्षा से अवगत कराने का श्रेय स्वामी जी को ही जाता है। इसी मौके पर रांची मेयर आशा लकड़ा ने बड़ा तालाब स्थित स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर माला अर्पण करते हुए मेयर आशा लकड़ा ने कहा कि विवेकानंद का सपना आज साकार होते दिखाई दे रहा है। आइए सुनते हैं और क्या कुछ कहा उन्होंने। स्वामी विवेकानंद की आज जयंती है और इसको पूरा देश युवा दिवस के रूप में मना रहे हैं। पूरे देश भर में अलग अलग जगह पर योगा कर रहे हैं लोग विवेकानंद जी की जयंती मना रहे हैं। उनका कहीं कहीं ज्ञान मालाएं हो रही हैं, हर जगह पर व्याख्यान माला चल रहे हैं। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि विवेकानंद जी का जो सोच, उनको उनका कहना था कि विवेकानंद का क्या संदेश, सक्षम सुंदर भारत देश। और ये सक्षम सुंदर भारत देश को नरेंद्र भाई मोदी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ चरितार्थ किए हैं। उन्होंने युवाओं को आगे बढ़ने के लिए स्टार्टअप इंडिया जैसे योजना लाए, आत्मनिर्भर भारत जैसे योजना लाए। ऐसे करके तमाम योजना यहाँ के गांव के, गरीब के, किसान के, युवाओं के, महिलाओं के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ योजना लाए। और जो सपना विवेकानंद ने देखे थे वो आज साकार होते दिखाई दे रहा है। लोग चाहते हैं कि विवेकानंद के जो संदेश है उनको आगे ले चले। उन्होंने कहे थे कि उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक कि आपकी लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। इस दिशा में आगे बढ़ते हैं। मैं आज के युवाओं को कहना चाहती हूँ, हताश और निराश मत रहिए, सतत प्रयास करते जाइए, मंजिल आपको जरूर मिलेगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए जीएन भारत के साथ। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।